अस्सलाम वालेकुम डियर एसएलएस स्टूडेंट्स, टुडे इज़ आवर लेक्चर नंबर 40 और टुडेज डेट इज़ 17 अगस्त और मंडे। बच्चों आज हम एक्सरसाइज 4 काउंट ऑन एक्सरसाइज नंबर 4 का बुक पेज नंबर 134 है और उसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। सब बच्चे 134 बुक का पेज ओपन करेंगे। जी तो प्यारे बच्चों, ऑलरेडी आप लोग यूनिट नंबर 4 के अंदर रुपीज़ और पैसास की कन्वर्जन और उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो सीख चुके हैं कि कैसे पैसों को और रुपीज़ को ऐड किया जाता है और माइनस किया जाता है। आज हम मल्टीप्लाई करना सीखेंगे कि कैसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर देखिए, मल्टीप्लाई जो है सेम वैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं जैसे आप रूटीन में करते हैं। आपको मल्टीप्लाई ऑलरेडी जो है आप मेथड जो है वो सीख चुके हैं और आज आप पॉइंट के साथ जो है कैसे मल्टीप्लाई करना है वो आप सीखेंगे। क्वेश्चन 11 है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। जी तो बच्चों रुपीज़ है 6.35 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई होगा 5 से, नेक्स्ट टू द 3 एंड लास्ट 1 टू द 6। 4 5s are 20, ठीक है। 20 जब आपने राइट किया तो 0 जो है 1 प्लेस पर आ रहा है, आपने 0 नीचे ट्रांसफ़र किया, जबकि 2 इसका ट्रांसफ़र हो जाएगा नेक्स्ट नंबर पर कैरी। 3 4s are 12, 12 में 2 ऐड करेंगे तो 14, हमने 4 राइट करेंगे जबकि 1 इसका कैरी ट्रांसफ़र हो जाएगा। यानी कि आपने 1s प्लेस का नंबर जो है आंसर में राइट करना होगा, जबकि जो 10s प्लेस पे आने वाला नंबर है वो आपने नेक्स्ट में डिजिट पे आपने कैरी ट्रांसफ़र करना है। 4 6s are 24 और 24 में 1 जब ऐड करेंगे तो 25। जी बच्चों, अब आपने आपका जिस हाथ में आपने पेंसिल या अगर आप राइट साइड से यूज़ करते हैं तो आपने राइट साइड से आपने देखना है कि कितने डिजिट्स को छोड़ने के बाद पॉइंट लगाया गया है। तो 2 डिजिट्स को छोड़ने के बाद जो है वो पॉइंट लगाया गया है, तो अब आप आंसर में भी 2 डिजिट्स छोड़ने के बाद आप पॉइंट ऐड कर देंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 5s are 25, 5 is 8 and 2 goes to carry। 5 5s are 25, 25 में 2 प्लस करेंगे तो 27 आ गया। अब हमने 7 नीचे राइट किया जबकि 2 को हमने ट्रांसफ़र कर दिया एज कैरी। 5 4s are 20, 20 में जब 2 प्लस होंगे कैरी जो होगा वो मल्टीप्लाई करने के बाद वो कैरी ऐड हो जाएगा 22। अब आपने 22 यहाँ राइट कर दिया, होल राइट किया नंबर, क्योंकि आपके पास 4 के पीछे या बैक पे कोई नंबर नहीं है जिस पे आप कैरी ट्रांसफ़र करें, तो इसलिए आपने 22 होल राइट कर दिया। अब आपने राइट साइड से आपने ये चेक करना है कि कितने डिजिट्स को छोड़कर पॉइंट ऐड किया गया है। अब 2 डिजिट्स छोड़ के आपने पॉइंट ऐड करना है, तो 5 और 7 2 डिजिट छोड़ने के बाद आपने पॉइंट ऐड कर दिया, आपका आंसर हो जाएगा ₹22.75। लेट्स मूव टू द पार्ट सी। 6 0s are 0, 6 2s are 12, 2 is here and 1 मूव्स टू कैरी। 6 7s are 42, 42 में कैरी प्लस होके 43 हो गया। अब फिर आपने राइट साइड से 2 डिजिट्स काउंट किए जिसके बाद पॉइंट ऐड हो रहा है, तो आंसर में भी आपने 2 डिजिट्स काउंट किए 1 and 2 और उसके बाद आपने पॉइंट ऐड कर दिया, आंसर में भी 43.20। 4 5s are 20, 20, 0 is here and 2 गोज़ टू कैरी। 4 1s are 4, 4 में जब 2 प्लस होंगे तो 6। अब देखें कि यहाँ हमारे पास सिंगल डिजिट है, कैरी ट्रांसफ़र नहीं होगा। 4 5s are 20, 20 आपने होल राइट कर दिया। अब आपने लेफ्ट साइड से काउंट करने हैं कितने डिजिट्स को छोड़ने के बाद पॉइंट लगाया गया है, 2 डिजिट्स, तो आपने 1 and 2 डिजिट्स को छोड़ने के बाद पॉइंट ऐड कर दिया, तो आपके रुपीज़ आंसर हो जाएगा ₹20.60। जी बच्चों, पार्टी है 7 0, अब 7 मल्टीप्लाई हो रहा है 9.40 के साथ। 7 0s are 0, 7 4s are 28, 28 में आपने 28 नंबर है और 8 आपने राइट किया जबकि 2 जो है आपने ट्रांसफ़र कर दिया एज कैरी। 9 7s are 63, 63 में जब 2 कैरी प्लस होंगे तो 65। अब आपने लेफ्ट साइड से फिर काउंटिंग स्टार्ट करनी है, कितने डिजिट्स छोड़ के आपने पॉइंट ऐड करना है आंसर में, 1 and 2, 2 के बाद आपका पॉइंट है, तो आंसर में भी 1 and 2 नंबर छोड़ के आपने पॉइंट लगा दिया। जी तो बच्चों 4 5s are 20, ठीक है, 20 आपका डिजिट आया, 0 आपने राइट किया और 2 कैरी ट्रांसफ़र कर दिया। 4 9s are 36 में जब 2 ऐड करेंगे कैरी के 38, 8 is here and 3 गोज़ टू कैरी। 4 3s are 12, 12 में 3 प्लस होके हमारे पास 15 हो जाएगा। अब आपने लेफ्ट साइड से काउंट किया 1 and 2 डिजिट्स के बाद का पॉइंट, अब यहाँ पर भी आंसर में 1 and 2 डिजिट छोड़ने हैं और उसके बाद आपने पॉइंट ऐड किया, आंसर हो जाएगा 15.80। रुपीज़
पॉइंट से पहले वाले डिजिट्स आपके रुपीज़ को शो कर रहे होंगे, जबकि पॉइंट्स के बाद वाले आपके पैसा को शो करते हैं। जी पार्ट है जी बच्चों, 5 5s are 25, 5 2 goes to carry 5 4s are 20, 20 में जब आपने 2 ऐड किए तो 22 में 2 आपने ये राइट किया, जबकि ये 2 आपका नेक्स्ट नंबर पे कैरी ट्रांसफ़र हो गया। 6 5s are 30, 30 में जब 2 ऐड करेंगे तो 32। लास्ट आपका काम पॉइंट ऐड करना, 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाया गया है क्वेश्चन में, तो अब आपने आंसर में भी 2 डिजिट छोड़ने के बाद आपने पॉइंट ऐड कर दिया, आंसर हो जाएगा 32.25। 8 5s are, अब नेक्स्ट में आप देखें 7.05 मल्टीप्लाई बाई 8 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से, 8 5s are 40। इस क्वेश्चन को बच्चों सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, आप दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं, चाहे अब अगर आप देखें कि 5 के पीछे आप देखें कि 0 अगर आ रहा है तो आप 40 को एज होल भी राइट कर सकते हैं, कैरी ट्रांसफ़र करना चाहें तो वो भी हो सकता है, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन अगर आप देखें कि जो जिस नंबर पे आपने कैरी ट्रांसफ़र करना है वो नंबर अगर 0 है तो आप अगर ये डबल डिजिट में मल्टीप्लाई करके नंबर आ रहा है तो आप एज होल भी राइट कर सकते हैं। 8 5s are 40, ठीक है, और 8 7s are 56। अब आपने अगर आप कैरी ट्रांसफ़र करके करते हैं तो फिर भी आपका आंसर यही रहेगा, 8 5s are 40, 0 हमने राइट किया जबकि 4 को हमने कैरी ट्रांसफ़र कर दिया। 8 जब भी कोई नंबर 0 के साथ मल्टीप्लाई होता है तो उसकी वैल्यू 0 ही हो जाती है, तो जब 8 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 0s are 0, 0 में जब कैरी 4 वाले प्लस होंगे तो 4 ही राइट हो जाएगा। तो इसलिए बच्चों के इसका ये मेथड ये होगा जो ज़्यादा आसान है, वो ये है कि अगर कोई नंबर 0 है आ रहा है पीछे तो आपने वो नंबर एज होल राइट कर देना है और आप बेशक कैरी ट्रांसफ़र ना करें। नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे, 8 0s are 0, 8 3s are 24, 4 is there and 2 goes to carry, 8 1s are 8, 9 and 10, 10 का लगा हमने 0 राइट किया और 1 कैरी को ट्रांसफ़र किया, 8 1s are 8 and 1 9। अब हमने लेफ्ट साइड से राइट साइड से हमने काउंट किए डिजिट्स के, कितने डिजिट्स छोड़ के हमने पॉइंट ऐड करना है तो 1 and 2, 2 डिजिट्स के बाद हमने आंसर में पॉइंट ऐड कर दिया, 1 and 2, 2 के बाद डिजिट्स छोड़ने के बाद हमने पॉइंट ऐड किया, रुपीज़ 90.40 आपका आंसर हुआ। जी 6 5s are 30, 0 is there and 3 goes to carry। अब आप देखिए बच्चों यहाँ 6 6s are 36 और 3 जब प्लस हो गए हमारे पास आएगा 39। देखिए बच्चों 6 के पॉइंट है और पॉइंट के पीछे जो नंबर है जिसपे हमने कैरी ट्रांसफ़र करना है तो वो 0 आ रहा है, तो आप बजाय इसके कि 3 को कैरी ट्रांसफ़र करें आप 39 होल भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने 39 को होल राइट किया और 6 को फिर आपने 1 से मल्टीप्लाई किया, 6 1s are 6। अब आपने राइट साइड से काउंटिंग स्टार्ट की, कितने डिजिट्स के बाद आपका पॉइंट है, 1 and 2, आंसर में भी 1 and 2 नंबर छोड़ने के बाद आपने पॉइंट ऐड कर दिया, रुपीज़ 63.90 पैसास। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, 5 5s are 25। अब आप देखें कि 5 के बैक साइड पे आपका जो 10th प्लेस पे नंबर आ रहा है वो क्योंकि 0 आ रहा है हमने 25 होल राइट कर दिया, ठीक है। 5 2s are 10, ठीक है, फिर आपने उस क्योंकि आपने होल क्योंकि दोनों डिजिट्स राइट कर दिए तो फिर आप उस 0 को स्किप कर देंगे, आप फिर मल्टीप्लाई नेक्स्ट नंबर से करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सिंगल डिजिट आता है तो अगर यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल 1 हो, 5 1s are 5, सिंगल डिजिट आ रहा है तो आंसर क्योंकि 0 प्लेस, अगर तो डबल डिजिट में आ रहा है तो आप होल राइट करेंगे फिर 0 स्किप करेंगे, लेकिन अगर सिंगल में आ रहा है तो फिर आप 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। हमने 5 5s are 25 पूरा राइट कर दिया क्योंकि अगर 2 को कैरी भी ट्रांसफ़र करेंगे तो आंसर यहाँ 2 ही आएगा। 5 2s are 10, 0 is there 1 goes to carry, 5 1s are 1 and 6, हमने काउंट किए कितने डिजिट्स छोड़ने हैं हमने राइट साइड से, 1 and 2, हमने 2 डिजिट्स छोड़ने के बाद हमने पॉइंट ऐड किया। 5 7 5s are 5 7s are 35, देखिए 5 का टेबल 7 तक पढ़ें या 7 का टेबल 5 तक पढ़ें आंसर विल बी सेम, 7 5s are 35, 5 is there and 3 goes to carry, 7 1s are 7 और 3 प्लस होके हमारे पास 10 हो जाएगा, 0 हमने राइट किया और 1 को कैरी ट्रांसफ़र कर दिया, 7 1s are 7 and 1 8 और 7 1s are 7। अब आपने राइट साइड से आपने काउंट किया 1 and 2 डिजिट्स के बाद आपका पॉइंट ऐड हो रहा है, आंसर में भी आप 1 and 2 डिजिट्स जो हैं आपने छोड़ के। कुछ बच्चे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में क्या मिस्टेक करते हैं कि बच्चे जैसे जैसे मल्टीप्लाई करते हैं साथ साथ में पॉइंट ऐड करते जाते हैं, तो बच्चों आपने साथ साथ पॉइंट ऐड नहीं करना है, आपने
पहले आपने सिंपली जो है आपने मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट करनी है, और जैसे ही मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपने जो है वो राइट साइड से आपने डिजिट्स काउंट करने हैं कि कितने डिजिट्स के बाद आपका पॉइंट ऐड हो रहा है। तो फिर आप जी, तो बच्चों आपने सबसे एंड पे आपने ये काम करना है पॉइंट को ऐड करने का, यानी कि आप ये कुछ बच्चे ये करते हैं ना, 7 5s are 35, 5 3 carry, 7 1s are 7, 8 9 10, 10 0 जब लगाया और पॉइंट ऊपर से जी यहाँ ट्रांसफर कर दिया, ऐसे नहीं करना है बच्चों। आपने आपने सिंपली पहले मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट करनी है नंबर्स की, और जब कंप्लीट हो जाएगी फिर आपने राइट साइड से डिजिट्स काउंट करने हैं, और फिर आपने देखना है कि कितने डिजिट्स के बाद, अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर पॉइंट आता है तो 1, 2 and 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट है, तो आंसर में आप 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट ऐड कर देंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि बच्चों आपने आज मल्टीप्लाई करना कैसे जो है पॉइंट के साथ जो है वो करते हैं और कैसे पॉइंट आंसर में ऐड करते हैं आपने सीखा होगा। तो इन्हीं क्वेश्चंस को आप बुक के ऊपर सॉल्व भी करेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।